नमस्कार, किचन शेफ मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाना पैनकेक बनाएंगे, बिना अंडा के बनाएंगे हम। ये एगलेस होगा, ये देखिए एक बनाना लिया है हमने, ये 50 ग्राम शुगर पाउडर है, और ये मैदा है 50 ग्राम, और ये आटा है जो गेहूं का आटा आप रोज यूज करते हैं वही आटा है, ये हमने 25 ग्राम लिया है, और एक कप भरकर दूध ले लिया है, और ये बेकिंग पाउडर है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर हम डालेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, केला को हमने पहले ही टुकड़े में तोड़ लिया था, और अब इसे हम इस तरह से मैश कर लेंगे। जैसे आपको सुविधा हो इसे अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। सबसे पहले इसे मैश करना है, फिर इसमें हम सारी सामग्री मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें दूध डाल देते हैं। रूम टेम्परेचर पर का दूध लिया है हमने, और ये पाउडर शुगर डाल देते हैं। पाउडर शुगर में हमने 2 हरी इलायची भी पीस ली थी, ये शुगर हम घर में ही बनाए थे पाउडर। इसका फ्लेवर के लिए हम इसमें 2 छोटी इलायची का पीस लिए थे। अब इसमें डाल देते हैं मैदा, और ये आटा। अब अच्छी तरह से इसे पहले फेटेंगे, और अगर दूध और लगेगी तो हम और दूध इसमें डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे बाद में हम इसमें बेकिंग पाउडर मिला रहे हैं, और अच्छी तरह से मिलाकर इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया है, और ये नॉनस्टिक पैन हम इस पर चढ़ा दिए हैं, और हल्का सा इसमें हम देसी घी लगा दिए हैं। अब हम इसमें एक अपम डाल देते हैं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ये सब कर रहे हैं हम। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे पलट देते हैं, बहुत ही आसानी से ये पलट जाएगी, और इतना ही हम इधर से भी इसे पकाएंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये एगलेस पैनकेक है, इसे आप व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। अब हम इस तरह से दूसरा भी बना लेंगे। अब हम दूसरा डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम सारे अपम को बनाकर निकाल लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।